अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 का थ्योरम 16.1.4। हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। जो ट्रायंगल्स इक्वल बेसिस पर और इक्वल उनकी इक्वल हाइट हो, इक्वल आल्टीट्यूड्स हो, वो एरिया में इक्वल होती हैं। ये हमारा थ्योरम है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल्स ए बी सी डी ई एफ ऑन इक्वल बेस बी सी ई एफ एंड हैविंग आल्टीट्यूड्स इक्वल। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ जिनकी बेसिस इक्वल हैं। बी सी और ई एफ ये आपस में इक्वल हैं और इनका आल्टीट्यूड भी इक्वल है। प्रूफ हमें ये करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, प्लेस द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ। हम इन दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी डी ई एफ को इस तरह से प्लेस करेंगे कि इनकी इक्वल बेसिस बी सी और ई एफ एक स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ में हो एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और उनकी वर्टिसेस उसकी सेम साइड पर हो। ड्रॉ बी एक्स इज पैरेलल टू सी ए, हम बी एक्स को ड्रॉ करेंगे सी ए के पैरेलल, एंड एफ वाई इज पैरेलल टू ई डी और एफ वाई को ड्रॉ करेंगे ई डी के पैरेलल, मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई में जो ए डी प्रोड्यूस हुआ है उसमें ये मीट करें, यानी एक्स और वाई को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं लाइन तो ये ए डी को ज्वाइन करें, यहाँ पे मीट करें। प्रूफ हम देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये सेम पैरेलल्स में है, इसकी रीजन है देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये हमारे पास गिवन है, जब आल्टीट्यूड्स इक्वल हों तो वो ट्राइंगल सेम पैरेलल्स में होंगी, और यहाँ पे इनकी सेम पैरेलल्स हैं एक्स ए डी वाई और बी सी ई एफ। इसका मतलब है एक्स ए डी वाई इज पैरेलल टू बी सी ई एफ। फिर हम कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के। इसकी रीजन है दीज पैरेललोग्राम आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये हम चैप्टर 16 के पिछले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम जो इक्वल बेस पे हों और बिटवीन सेम पैरेलल्स हों उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। हैंस ये हमने उस थ्योरम से यहाँ पे इसकी ये रीज़न लिखी, और हमें पता है कि उन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट हमने वहाँ से निकाली, इसको हम वन का नाम देंगे। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए एक्स। बी सी एक्स पैरेललोग्राम है, इसका हाफ हम लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ए बी इस पैरेललोग्राम का डायगनल है और एक डायगनल पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए बी सी इसको इसने अगर बाइसेक्ट किया तो ए बी सी और ए बी एक्स ये आपस में इक्वल होंगे और ए बी सी हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स के। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ से निकाली, इसको हम टू का नाम दे देंगे। इसकी रीजन है डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट। इसी तरह एक और स्टेटमेंट हमने लिखी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई या डी ई एफ एक ही बात है इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ हाफ है पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के, क्योंकि यहाँ पे भी डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट। इसको हम थ्री का नाम दे देंगे। अब हम कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं फ्रॉम वन टू एंड थ्री। वन में हमने कहा कि बी सी ए एक्स पैरेललोग्राम और ई एफ वाई डी पैरेललोग्राम आपस में इक्वल हैं। अब जब ए बी सी बी सी ए एक्स के इक्वल है और डी एफ ई ई एफ वाई डी के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है ए बी सी और डी एफ ई या डी ई एफ भी आपस में इक्वल हैं। सो ये थ्योरम हमने प्रूव किया यूजिंग स्टेटमेंट्स वन टू एंड थ्री। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।